देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा समर्पण त्याग के 8 साल पूरे होने पर भाजपा के लोगों के द्वारा अनेकों कार्यक्रम कर रहे हैं। वही 8 साल बेमिसाल के अवसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा 13 जून सोमवार को विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत ग्राम बड़े डोंगर के माँ दंतेश्वरी मंदिर में प्रांगण से प्रारंभ किया गया। बाइक रैली का नेतृत्व कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रशांत पात्र ने नेतृत्व में यह बाइक रैली बड़े डोंगर के पहाड़ी में स्थित माँ दंतेश्वरी मंदिर में माता के दर्शन व पूजा अर्चना कर मंदिर प्रांगण से प्रारंभ की गई। जैसे जैसे विकास तीर्थ बाइक रैली आगे बढ़ते गई, वैसे वैसे भाजपा के लोग इस बाइक रैली में जुड़ते गए। बड़ी संख्या में भाजपा के लोग इस बाइक रैली में शामिल हुए। इस विकास तीर्थ बाइक रैली में प्रमुख रूप से कोंडा गांव भाजपा जिलाध्यक्ष दीपेश अरोरा, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य लता उसेंडी, पूर्व विधायक केशकाल, सेवक राम नेता जैसे कई भाजपा के लोग मौजूद रहे। परस गाँव से राम कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। यह बाइक रैली मोदी जी के 8 साल का जो कार्यकाल संपूर्ण हुआ है उसके उपलक्ष्य में पूरे देश भर में सभी मोर्चा द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। युवा मोर्चा के माध्यम से विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली जा रही जो विधानसभा वाइज है। आज की रैली बड़े डोंगर मंदिर से स्टार्ट होकर के फरसगाँव के बाद केशकाल, धनोरा, विश्रामपुरी में इसका समापन होगा। इसका उद्देश्य पिछले 8 सालों में मोदी जी ने जो देश में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, विकास के कार्य किए हैं, उसे हम जनता तक पहुंचाएंगे। और इस ये जो राज्य में सरकार बैठी है, इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे और उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, तो हमारे युवा मोर्चा के साथी केंद्र सरकार की सफलता, विकास कार्य को गिराएंगे और साथ में राज्य सरकार की जो विफलता है। और आने वाले समय 2023 में चुनाव है, इस रैली के माध्यम से संकल्प लेंगे कि इस कांग्रेस की झूठी सरकार को उखाड़ के फेंकें और 23 में भारतीय जनता की सरकार राज्य में स्थापित हो और 24 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बने।